नमो नमः अहमस्मै नारायण दत्त मिश्रः स्वागतं च करोमि सर्वेषां अहम् संस्कृत पाठशालायां नमो नमः वंदे अभिवादये नमस्यामि प्रणमामि प्रणामः प्रणतिपातः प्रणतिः इत्यादि शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं नमस्कार के लिए यह आप सभी जानते हैं। यह शब्द होता है शिष्टाचार का। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं नमस्कार शब्द को ही जैसे हमने कहा नमस्कारः इसी शब्द में भी गलती कर जाते हैं यानी हम उसे नमस्कार ऐसा बोल जाते हैं। होता दंत्य सकार है समय जैसा हम बोलते हैं वह समयः जैसा हम कहते हैं तो वहां समय का स है और जब हम नमस्कार जब ऐसा बोल जाते हैं कई बार आपने सुना होगा बड़े लोग भी ऐसा बोल जाते हैं और कई बार लिख भी जाते हैं नमस्कार तो जबकि यह शब्द गलत है होना चाहिए नमस्कार। तो यहां शाम वाला जो श है यानी तालव्य श है उसे प्रयोग हम नहीं करते वह अशुद्ध प्रयोग होता है या ध्यान देने की बात है। आज हम जान लेते हैं कि कैसे प्रणतिपातः नमस्कारः प्रणामः वंदे अभिवंदे अभिवादनम इन शब्दों के अतिरिक्त भी क्या कुछ और भी शब्द हमें नमस्कार के साथ हमें प्रयोग करने को दिखते हैं। जी हाँ संस्कृत में हमें ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो यदि हमें कहना हो तुम्हारे लिए नमस्कार है तब हम कहेंगे नमः तुभ्यम और ऐसे भी हम एक शब्द कहते हैं नमस्ते। ते जो शब्द है वो एक विकल्प रूप में इसका प्रयोग होता है तुभ्यम के अर्थ में। तो वहां जब हम एक वचन में यानी किसी एक व्यक्ति के लिए अपने मित्र के लिए जिसे हम तुम शब्द से संबोधित करते हैं उसे जब नमस्कार करना हो तब हम कहते हैं नमस्ते। और हम उम्र या हमसे छोटे या हमारे मित्रों की मंडली हो और तब सभी को एक साथ नमस्कार करना हो तब हम कहते हैं नमो वः यानी तुम सभी के लिए नमस्कार है। इसी तरीके से जब हम बड़े अपने से बड़े लोगों से मिलें और पुरुषों से मिलें तब हम कहेंगे नमो भवद्भ्यः और यदि वह एक व्यक्ति हो मान लेते हैं आपके पिता हो आपके गुरु हो आपके बड़े भाई हो तो हम कहेंगे नमो भवते। इसी तरह से बात हम यदि हम कहें कि सामने आपके कोई महिला हो आपसे बड़ी हो आचार्या हो बहन हो माँ हो तब हम कहेंगे नमो भवत्यै। और यही जब हम बहुत के अर्थ में करें बहुत सारी महिलाएं हो बहुत सारी स्त्रियां हो बहुत सारी आचार्याएं हो शिक्षिकाएं हो तब हम कहेंगे नमो भवतीभ्यः ऐसा कहेंगे। लेकिन कई बार हम जब अत्यधिक आदर दिखाते हैं जब हम किसी के प्रति अधिक नतमस्तक होते हैं किसी के ज्ञान के प्रति किसी के ऋण के प्रति तब हम उसे कहते हैं जब हम उसे नमस्कार करेंगे तब हम उसे अत्यधिक आदर देंगे तब उसके लिए एक शब्द है अत्र भवान और तत्र भवान। तो जब हम उसे नमस्कार करेंगे तब हम कहेंगे नमः अत्र भवते संधि कर देंगे तो होगा नमोत्र भवते और इसी तरीके से नमः तत्र भवते और संधि करेंगे तो होगा नमो नमस्तत्र भवते। अत्र भवान और तत्र भवान का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि वह व्यक्ति आपके ठीक सामने हो तो अत्र भवान नमः अत्र भवते कहेंगे और यदि वह थोड़ी दूरी पर हो और आदर अर्थकता में कोई अंतर ना हो तब भी हम उसे कहेंगे नमः तत्र भवते और यही जब बहुवचन अर्थ में हो जाए तब हम उसे कहेंगे नमः अत्र भवद्भ्यः नमः तत्र भवद्भ्यः। और इसी तरह से स्त्रीलिंग में जब हमें कहना हो तब हम कहेंगे यानी महिला हो आचार्याएं हो तब हम कहेंगे नमः अत्र भवतीभ्यः नमः तत्र भवतीभ्यः और यदि वहां एक वचन में हमें कहना हो कोई शिक्षिका हो जिसने हमें ज्ञान से अप्लावित किया हो तब हम उन्हें कहेंगे नमस्कार करते हुए नमः अत्र भवत्यै और वही थोड़ी दूरी पर हो तो उन्हें हम कहेंगे नमः तत्र भवत्यै। तो आदरार्थक बहुवचन होता है यह भी हमें संस्कृत की पाठशाला में ध्यान रखना होता है। तो आज हमने जाना कि कैसे नमस्कार कहने के लिए हमें अपने से कम उम्र के अपने से बराबर उम्र के लोगों को किस तरीके से नमस्कार कहने के लिए अपना जो आचार होता है शिष्टाचार होता है वहां किन किन शब्दों के साथ परिवर्तन लाना होता है और कई बार आदरार्थकता में जब हम जाते हैं आदरार्थकता लाना चाहते हैं तब संस्कृत के व्याकरण की ओर हमें जाना होता है। यदि आप हिंदी में ऐसा कहेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा हास्यास्पद कि कैसे एक व्यक्ति को हम बहुवचन अर्थ में मान सकते हैं लेकिन फिर भी आप भी ऐसा देखते होंगे कि हम उसे आदर अर्थ में हम कहते ही हैं यह हमारे शिक्षक हैं ये हमारे शिक्षक हैं। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी उस अर्थ को हम मान लें तो आप नमः अत्र भवद्भ्यः एक शिक्षक के लिए भी ऐसा कह सकते हैं।
तो आज हमने जाना नमस्कार करने की अपनी इस शिष्टाचार की प्रवृत्ति को, हमारी जो हमारा जो लोकाचार है वो इस तरह के शब्दों को भी बनाने की अनुमति देता है। तो इसी तरीके से आप करते रहें संस्कृत की पाठशाला में नए नए शब्दों को जानने का उपक्रम, और करते रहें ऐसे ही खुद से भी स्वयं से भी शब्दों का प्रयोग, ताकि संस्कृत आप में पल्लवित होती रहे, पुष्पित होती रहे। नमो नमः। विश्वास